अमेरिका भी एक ऐसा चक्रव्यूह रचने में लगा है जिससे रूस को घुटनों पर लाया जा सके, और इसीलिए अमेरिका ने पोलैंड के साथ साझा युद्ध अभ्यास किया। पोलैंड 30 देशों के मिलिट्री अलायंस नेटो का सदस्य है, यानी अमेरिका के खेमे में है। नेटो के सदस्य देश होने की वजह से अमेरिका और पोलैंड के बीच ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो बड़ा है वो है ड्रिल की टाइमिंग और लोकेशन। ये तब हुई जब पोलैंड के पड़ोसी देश यूक्रेन में जंग जारी है। ऊपर से पोलैंड में जिस जगह हुई वो यूक्रेन की सीमा से महज 1 घंटा ही दूर है। इसी वजह से पोलैंड के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज को अमेरिका की रूस के खिलाफ एक बड़ी चाल के तौर पर देखा जा रहा है, जिसकी सामने आई तस्वीरों में एक बड़ा सा हेलीकॉप्टर एंट्री लेता दिखा। लैंडिंग होते ही अमेरिका और पोलैंड के करीब 1 दर्जन सैनिक चॉपर से उतरे और तुरंत मोर्चा संभालने के लिए दौड़ पड़े। जवानों में फुर्ती ऐसी थी कि मानो वाकई अमेरिका रूस और यूक्रेन की जंग में कूद गया हो। सेना के टैंक उबड़ खाबड़ मैदान में इधर से उधर दौड़ते नजर आए और फिर तोपों से गोले ऐसे बरसे मानो अमेरिका रूस को ललकार रहा हो। पोलैंड के साथ मिलिट्री ड्रिल करके अमेरिका ने खुलकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया और रूस को सीधी चेतावनी दी कि अगर पोलैंड या उसके जैसे बाकी किसी भी नेटो देश पर यूक्रेन की लड़ाई की आंच आई तो अमेरिका रूस को छोड़ेगा नहीं। और ये अमेरिका और नेटो का रूस और यूक्रेन की जंग की शुरुआत से ही कहना है। दोनों बहुत पहले साफ कर चुके हैं कि वो यूक्रेन में अपनी सेना नहीं भेजेंगे, लेकिन इसके साथ ही अमेरिका और नेटो ये भी कह चुके हैं कि वो रूस से नेटो की जमीन के 1-1 इंच की रक्षा करेंगे। इसलिए अमेरिका और पोलैंड का सैन्य अभ्यास बेहद अहम है। दोनों की मिलिट्री ड्रिल दक्षिण पूर्वी पोलैंड के जेशुव शहर के पास हुई, जो कि यूक्रेन के बॉर्डर से करीब 1 घंटा दूर। यूक्रेन के इतने करीब सैन्य अभ्यास का मतलब तो एक ही है कि अमेरिका देर सवेर यूक्रेन की जंग में उतरने की तैयारी कर रहा है। इस मिलिट्री एक्सरसाइज के जरिए अमेरिका एक तीर से 2 नहीं बल्कि 3 निशाने साधने की कोशिश में। 3 इसलिए क्योंकि पोलैंड ही ऐसा इकलौता नेटो देश है और अमेरिका का साथी है जो यूक्रेन का भी पड़ोसी है, रूस का भी पड़ोसी है, और रूस के दोस्त बेलारूस का भी पड़ोसी है, जो कि इस जंग में खुलकर रूस के साथ खड़ा है। एरिया के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस पहली नजर में नक्शे पर भले ही यूक्रेन के सिर्फ पूर्व में नजर आता है, लेकिन अगर गौर से देखें तो वो यूक्रेन के उत्तर पश्चिम में भी है। यूक्रेन के उत्तर पश्चिम में कैलिनिंग्राद रूस का वो प्रांत है जो उसके मुख्य हिस्से से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि पोलैंड और लिथुएनिया के बीच में। इस लिहाज से पोलैंड यूक्रेन और बेलारूस के साथ रूस का भी पड़ोसी है, और इसीलिए अमेरिका ने वहां अपने 10,000 से ज्यादा सैनिक तैनात किए हुए हैं। और पिछले महीने तो अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन रूस की घेरेबंदी करने के लिए पोलैंड भी गए थे। अब अगर अमेरिका को यूक्रेन का साथ देने के लिए रूस से सीधे सीधे भिड़ना ही पड़ा तो उसे पोलैंड से बेहतर कोई साथी नहीं मिलेगा।